हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ में सिलोग्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें ओनली एंड ओनली ए फ्यू वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बैंक के एग्जाम्स में आजकल यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज वापस मैं इसके लिए पार्ट वन तीन चार वीडियोज में सिलोग्स के बनाऊंगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम थोड़े पहले इजी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर और ज्यादा टफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन। इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू रिवर इज ओशियन। तो फ्यू के लिए बताया आपको रिवर, ओनली ए फ्यू रिवर इज ओशियन। तो मतलब ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है कि ये जो रिवर है वो कभी भी पूरे इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। ओनली ए फ्यू, केवल कुछ रिवर ही ओशियन है, ठीक है ना। तो ये पूरे ओशियन रिवर हो सकते हैं, पर रिवर कभी भी ओशियन नहीं होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया कि ये यहाँ पे क्रॉस कर दो आप, ऐसा बनाओ। इसका मतलब रिवर कभी भी ओशियन में पूरा नहीं जाएगा, जबकि ओशियन रिवर में जा सकता है, ठीक है। सम ओशियन इज पॉन्ड बन गया, नो पॉन्ड इज सी। नो को हम ऐसा बना लेते हैं कि पॉन्ड एंड सी की क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। क्रॉस बना दो साइन, पॉन्ड एंड सी की दुश्मनी हो गई। ऑल सी इज लेक, ठीक है ना, ऑल सी इज लेक, यहाँ लेक हमने बना दिया, सारे सी क्या लेक। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी। देखो, रिवर ओशियन हो सकते हैं क्या पूरे, नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। फिर सम लेक बीइंग ओशियन इज पॉसिबिलिटी, कुछ लेक ओशियन हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा उनको अगर संभावना व्यक्त की है उसने। सम पॉन्ड इज लेक, कुछ पॉन्ड और लेक में कुछ है क्या समान, नहीं है। तो मतलब हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या है, राइट है। तो इसके ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हम इस पर चेक कर देंगे कि ओनली कंक्लूजन टू इज फॉलो, जो भी ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यहाँ अपने पास में अगेन क्या आ रहा है, नो फ्रूट, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आगे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके इसमें। अभी हम चेक कर लेते हैं कौन से कंक्लूजन राइट एंड रॉन्ग है। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, फ्रूट ये हमने बनाया एंड वेजिटेबल के लिए भी, दोनों का आपस में क्या हो गया दुश्मनी है। ओनली ए फ्यू वेजिटेबल इज मैंगो, तो वेजिटेबल मैंगो है, मतलब वेजिटेबल मैंगो में कभी भी नहीं जा पाएंगे। नो मैंगो इज ग्रेप्स, मैंगो एंड ग्रेप्स की क्या हो गई, ये दुश्मनी हो गई है। सम ग्रेप इज ऑरेंज, ओ से हमने अब कंक्लूजन, नो ऑरेंज इज वेजिटेबल, वेजिटेबल एंड ऑरेंज की दुश्मनी है क्या, देखो दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, तो मतलब ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सम फ्रूट इज मैंगो, कुछ फ्रूट मैंगो है, फ्रूट एंड मैंगो में क्या समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, सारे वेजिटेबल देखो क्या ग्रेप हो सकते हैं, ये जो मैंगो रहेंगे इन मैंगो की क्या हो गई, ग्रेप से दुश्मनी हो गई है, तो सारे वेजिटेबल ग्रेप्स में कभी भी नहीं जा सकते, ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती। बिकॉज जब मैंगो की इससे दुश्मनी है, तो इस वाले पार्ट की भी इससे क्या हो जाएगी, दुश्मनी होगी, ये भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स नो कंक्लूजन फॉलो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। फिर अगर थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ें, क्या कह रहे हैं, ओनली ए फ्यू रेड इज येल्लो, रेड इज येल्लो, मतलब रेड पूरे इसके अंदर कभी भी नहीं जा पाएंगे। नो येल्लो इज ब्लू, येल्लो एंड ब्लू की क्या होगी, दुश्मनी होगी। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन, तो ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन, ओनली ए फ्यू ब्लू ये बना दिया हमने। सम ग्रीन इज पिंक हमने बना दिया। अब ऑल रेड, सारे रेड के ब्लू होने की संभावना है, ऑल रेड बींग ब्लू, देखो येल्लो एंड ब्लू की क्या है, दुश्मनी थी, तो ये जो पार्ट है ना ये कभी भी ब्लू नहीं हो पाएगा, तो सारे रेड कभी भी ब्लू नहीं हो सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम पिंक बींग येल्लो, कुछ पिंक येल्लो होने की संभावना है, तो कुछ पिंक येल्लो हो सकते हैं, येल्लो एंड पिंक की कोई दुश्मनी नहीं है, तो अपना सेकंड राइट हो जाएगा। सम येल्लो इज पिंक, वो कह रहा है सम येल्लो इज पिंक, कुछ येल्लो पिंक हैं, बट ये तो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ सम पिंक ब्लू का पूछा था, सम पिंक बीइंग ब्लू, तो पिंक क्या हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं ना, दुश्मनी तो नहीं है, तो ये पिंक ब्लू हो सकते हैं, राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सेकेंड कंक्लूजन फॉलो रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपके, रॉन्ग होगा। अब हम ऑप्शन देखो आगे, पहले ऑप्शंस नहीं थे अपने पास में, अब टिक करते रहेंगे। अब कह रहा है ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल, ठीक है ना, ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल, बॉय एंड गर्ल, ये अपना बन गया डायग्राम। सम गर्ल इज मैन हो गया, ओनली अ फ्यू मैन इज वुमेन, मतलब ये पूरा का पूरा कभी भी इसमें नहीं जा सकता। No woman is kid, and woman की kid से क्या हो गई है, दुश्मनी हो गई अपने, ये इन दोनों के बीच में क्रॉस साइन हमने लगा दिया यहाँ पे। अब पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, सम गर्ल इज नॉट बॉय इज पॉसिबिलिटी, कुछ गर्ल, सम गर्ल इज नॉट बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ गर्ल बॉय नहीं हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बॉय था ये बाहर रह सकते हैं ना, उनकी दुश्मनी भी हो सकती है, तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अब
वुमेन इज नॉट मैन, कुछ वुमेन मैन नहीं है. सम वुमेन इज नॉट मैन, वो कह रहा है कि दुश्मनी है कुछ वुमेन की मैन से, दुश्मनी है. सम वुमेन इज नॉट मैन, सम नॉट का मतलब क्या होता है, ऐसी बनता है, इतना सा पार्ट है और इसकी इससे क्या रहेगी, दुश्मनी रहेगी. तो मतलब ऐसा तो नहीं दे रखा मैन एंड वुमेन में, जैसे पॉसिबिलिटी होता तो हम इसको राइट कर सकते थे, पर ये रॉन्ग हो गया. अगेन नेक्स्ट करें, सम किड बीइंग गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, सम किड बीइंग गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी. तो किड गर्ल हो सकता है, ये राइट हो जाएगा. तो क्या आ रहा है इसमें अपने पास में, डी ऑप्शन बोथ कंक्लूजन वन एंड थर्ड फॉलोज. नेक्स्ट देखें, ऑल स्क्वायर इज लाइन, ये स्क्वायर के लिए एस, ये लाइन हमने बना दिया. ऑल स्क्वायर इज लाइन, सम लाइन इज सर्कल, ये सर्कल हो गया. ओनली अ फ्यू सर्कल इज ओवल, तो ये मतलब कभी भी इसमें पूरा नहीं जा पाएगा, सर्कल कंप्लीट इसमें नहीं जा पाएगा. ठीक है, नो स्क्वायर इज सर्कल, तो नेगेटिव तो ऊपर है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया. एक और रह गया, नो ओवल इज पॉइंट, नो ओवल इज पॉइंट, ये हमारे पास में करना पड़ेगा. तो नो स्क्वायर इज सर्कल, स्क्वायर एंड सर्कल की दुश्मनी है क्या, नहीं है ना, तो ये तो गलत हो गया. इन दोनों के बीच में नेगेटिव नहीं है साइन, तो नहीं होगा. ऑल ओवल बींग सर्कल, सारे ओवल बींग सर्कल इज ए पॉसिबिलिटी. तो सर्कल इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, बट ओवल तो इसके अंदर जा सकते हैं, ये तो इसके अंदर जा सकते हैं. तो सेकंड क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा. सम पॉइंट इज लाइन, सम पॉइंट इज लाइन, पॉइंट एंड लाइन में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हुआ. ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. अब नेक्स्ट देखें, तो क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू डॉक्टर, ये डॉक्टर मैंने बनाया डी से, इज इंजीनियर, ठीक है ना. तो कंप्लीट डॉक्टर इसके अंदर कभी भी नहीं जा पाएगा, जब ये इसके अंदर जा सकता है. सो ऑल इंजीनियर, ऑल इंजीनियर इज डेवलपर, सारे इंजीनियर क्या है मेरे पास में, डेवलपर. तो ये डेवलपर यहाँ लिख दिया हमने. ओनली अ फ्यू टेस्ट इज, सम डेवलपर इज टेस्टर, ये टेस्टर हो गया. ओनली अ फ्यू टेस्टर इज ट्रेनर, ये ट्रेनर यहाँ बना दिया हमने. और इनके मतलब टेस्टर जो है वो ट्रेनर में नहीं जा सकते, जबकि ट्रेनर टेस्टर में आ सकते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम देखें क्या रहेगा, सम डेवलपर इज ट्रेनर, डेवलपर एंड ट्रेनर में रिलेशन है क्या, नहीं है. सम इंजीनियर बींग, सम इंजीनियर बींग टेस्टर इज ए पॉसिबिलिटी, इंजीनियर कुछ इंजीनियर टेस्टर हो सकते हैं, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना तो है. सम डेवलपर इज डॉक्टर, कुछ डेवलपर डॉक्टर हैं डेफिनेटली. तो क्या हो जाएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएंगे अपने, फॉलो हो जाएंगे. इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर वेन डायग्राम आपने बना लिया अच्छे से, तो उसके बाद में जो आपको दिखाई दे रहा है उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम राइट करना पड़ता है. उसके अलावा कुछ भी हमें अपने आप से निष्कर्ष नहीं निकालना है. फ्यू कीबोर्ड, कीबोर्ड इज लैपटॉप. मैं वापस बता देता हूँ, ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है कि ये जो ओनली अ फ्यू मतलब कुछ, केवल कुछ कीबोर्ड्स लैपटॉप हैं, ठीक है ना. तो ये कीबोर्ड इसके अंदर पूरे नहीं जा सकेंगे, मतलब ऐसा बोले संभावना भी नहीं होगी उसकी. ऑल कीबोर्ड बीइंग लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी, कभी भी नहीं होगा, जबकि ऑल लैपटॉप लैपटॉप बीइंग कीबोर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब ये इसके अंदर पूरा जा सकता है. सम लैपटॉप इज मॉनिटर, तो लैपटॉप क्या हो जाएंगे, मॉनिटर हो जाएंगे अपने. सम अब नो मॉनिटर इज आईसी, तो आईसी के साथ में मॉनिटर आपकी क्या हो गई, दुश्मनी हो गई. तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा याद इजी रहता है कि अच्छा ये जिससे डायरेक्ट रिलेशन आएगा वही, क्रॉस साइन लगा दिया हमने, दुश्मनी, नो का मतलब दुश्मनी, मॉनिटर एंड आईसी की आपस में क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है. कंक्लूजन अगर हम बात करें तो क्या, सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, कुछ कीबोर्ड लैपटॉप नहीं है, वो अगर बोल रहा है सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, वो कह रहा है कुछ कीबोर्ड लैपटॉप नहीं है. ठीक है, तो ऐसा हमेशा रहेगा, ठीक है ना, कुछ कीबोर्ड क्या रहेंगे, हमेशा बाहर रहेंगे. सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, क्योंकि सारे कीबोर्ड इसके अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते ना. सम नोट को भी पॉसिबिलिटी से, ऑल कीबोर्ड बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी. सम नोट को हमेशा कैसे बनाते हो आप, पॉसिबिलिटी से बनाते हो. सम नोट को पॉसिबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं, कैसे, सम की जगह, सम नोट की जगह हमेशा ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लो. ऑल कीबोर्ड इज लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी. सम नोट को आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो पॉसिबिलिटी से, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी से रिप्लेस करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना. अगर पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस सही होगा तो सम नोट वाला गलत हो जाएगा, सम नोट वाला सही हुआ तो पॉसिबिलिटी.
पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी गलत हुआ तो सम नॉट सेव। तो पॉसिबिलिटी सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, अब इस सेंटेंस को मैं रिफ्रेम करूँ कि ऑल कीबोर्ड बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है ऑल कीबोर्ड बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है। तो मतलब ये अपना क्या रहेगा, गलत हो गया पॉसिबिलिटी, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर कहता है ऑल लैपटॉप बीइंग आईसी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे लैपटॉप आईसी हो सकते हैं क्या, सारे लैपटॉप आईसी हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि मॉनिटर के अंदर जो भी लैपटॉप आ रहे हैं उनकी आईसी से क्या हो जाएगी, दुश्मनी होगी। तो ऑल लैपटॉप बीइंग आईसी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ओनली कंक्लूजन वन क्या करेगा इसमें, फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर एट की अगर हम बात करें तो क्या करें, ऑल समर इज विंटर, ऑल समर इज विंटर, ओनली अ फ्यू विंटर इज ऑन ऑटमन, विंटर इज ऑटमन, नो ऑटमन इज क्लाइमेट, ये क्लाइमेट से इसकी क्या हो गई, दुश्मनी हो गई, ठीक है ना। विंटर को हमने ओनली फ्यू बना दिया यहाँ पे, सम ऑटमन इज नॉट विंटर इज ए पॉसिबिलिटी, सम ऑटमन इज विंटर नहीं है ऐसी संभावना है, संभावना तो हो सकती है। सम समर इज समर एंड ऑटमन में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है। तो अपना ओनली कंक्लूजन वन क्या करेगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कर रहा है, नो हिंदी इज इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की हो गई दुश्मनी, ये हिंदी और ये इंग्लिश बना दिया क्रॉस तो साइन, ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज साइंस, तो साइंस हमने ओनली अ फ्यू इंग्लिश, ठीक है ना, नो साइंस इज मैथ, तो साइंस की मैथ से क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो गई, ठीक है ना। नो इंग्लिश कोई भी इंग्लिश साइंस नहीं हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, ऐसा कोई नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो अपना सेंटेंस जो स्टेटमेंट दिया वो गलत हो जाएगा, इन दोनों के आपस में दुश्मनी तो नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। सम हिंदी बीइंग मैथ इज अ पॉसिबिलिटी, हिंदी मैथ के पास में जा सकती है कोई रोक संभावना व्यक्ति है ना, हो भी सकता है। तो सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा इसके अंदर। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, नो टेबल इज चेयर, ये हो गया आपके, नो चेयर इज बेंच, बेंच से इसकी दुश्मनी हो गई, ओनली अ फ्यू बेंच इज बॉक्स, ठीक है ना, ये इधर हमने ऐसे साइन लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, सम बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, राइट है, ऑल बॉक्स सारे बॉक्स बीइंग बेंच, सारे बॉक्स क्या हो, बॉक्स की बेंच में जाने की संभावना हो सकती है। आपको बताया मैंने ओनली अ फ्यू केस में, ये बेंचेस बॉक्स में नहीं जा सकती पूरी की पूरी, पर बॉक्स क्या है, बेंच में जा सकते हैं, तो सेकंड भी ट्रू हो जाएगा। तो क्या होगा, अपना ऑप्शन क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओनली अ फ्यू टेबल इज बेंच, ये टेबल मैंने बनाई, ये बेंच बना दी, ठीक है ना, बेंच, तो टेबल इसके अंदर नहीं जा पाएगी। नो बेंच इज डेस्क, बेंच की डेस्क से क्या हो गई है, दुश्मनी हो गई, ऑल डेस्क इज चेयर, सारी डेस्क क्या है, ये चेयर। वेन डायग्राम जरूरी है, वेन डायग्राम बनने के बाद में क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, और डायरेक्ट हमेशा वेन डायग्राम से अप्रोच से ही करें तो क्या रहेगा, ज्यादा सही रहेगा और राइट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। ऑल टेबल बीइंग बेंच इज ए पॉसिबिलिटी, बता दिया हमने, साइन नहीं है, सारी टेबल बेंच नहीं हो सकती। सम चेयर, कुछ चेयर बीइंग बेंच, कुछ चेयर, अब उसकी देखो बेंच की डेस्क से दुश्मनी है, ठीक है ना, ये तो ये बाहर वाली जो चेयर है ना, ये तो कुछ में है, ये बेंच के पास जा सकती है, इनको तो कोई, अगर चेयर की दुश्मनी होती तो डेस्क क्या होती, पूरी अंदर है इसके, तो पूरी बेंच से डेस्क की भी दुश्मनी होती, बट अभी चेयर मेरे पास में बड़ा है, चेयर तो ये बाहर जो पोर्शन रखा हुआ है ये बेंच के पास जाने की संभावना हो सकती है, सेकंड राइट हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस बी अपना राइट आंसर होगा। फिर अगर हम देखें अगर नो फ्लोर इज बालकनी, फ्लोर बालकनी के पास जाएगा, दुश्मनी है इन दोनों की, सम बालकनी इज वॉल, ये वॉल हो गया, ओनली अ फ्यू वॉल इज डोर, तो यहाँ डोर है, ठीक है। अब हम देखें ऑल वॉल बीइंग फ्लोर, सारे वॉल क्या हो सकती है, फ्लोर हो सकती है क्या, तो ये जो फ्लोर का भाग है ये कभी भी क्या हो सकता है, ये जो वॉल का भाग है ये फ्लोर कभी भी नहीं हो, क्योंकि फ्लोर एंड ये जो यहाँ पे क्या था अपने बालकनी, बालकनी की दुश्मनी है, ये जो सम वाला पार्ट है ये दोनों यहाँ नहीं जा सकता, तो ये गलत हो गया। सम डोर इज बालकनी, डोर एंड बालकनी में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है, तो गलत, तो दोनों ही रॉन्ग हो गए, एलिमेंट समान नहीं है, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा इसके अंदर, नाइदर नॉर का कंसेप्ट इसमें लग जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑल जनवरी इज फरवरी, ऑल जनवरी इज फरवरी, ओनली अ फ्यू फरवरी इज मार्च, तो ये मार्च हमने यहाँ लिखा, सारी फरवरी इसके अंदर नहीं जा पाएगी, ओनली फ्यू मार्च इज अप्रैल, तो इसमें सारे देखो अपने ओनली अ फ्यू वाले आ रहे हैं, ओनली फ्यू मार्च इज अप्रैल, मार्च अप्रैल में नहीं जा सकती, अप्रैल मार्च में आ सकती है, नो अप्रैल इज मे, नो अप्रैल इज मे, अप्रैल एंड मे के आपस में दुश्मनी है, ठीक है ना। तो अब सम मार्च नॉट बीइंग, सम मार्च नॉट बीइंग अप्रैल इज ए पॉसिबिलिटी, सम मार्च नॉट बीइंग अप्रैल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मार्च अप्रैल नहीं हो ऐसी संभावना है, ठीक है। सम मार्च, कुछ मार्च, देखो सम मार्च नॉट बीइंग अप्रैल इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ सम नोट की पॉसिबिलिटी दे रखी है उसने, ठीक है ना, सम नोट की पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो सम मार्च नॉट बीइंग अप्रैल, अप्रैल नहीं हो ऐसी संभावना है क्या, तो दे रखा गया यहाँ पे, इसकी दुश्मनी हो सकती है, सम मार्च नॉट बीइंग अप्रैल इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड की अगर हम बात करें, सम जनवरी इज मार्च, ठीक है, सम जनवरी इज मार्च, कुछ जनवरी मार्च है, जनवरी एंड मार्च में रिलेशन आ रहा है क्या, मार्च यहाँ पे है हमारे पास में और जनवरी यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम देखें सम फरवरी इज बीइंग मई, कुछ फरवरी मई हो सकती है, फरवरी या मई के पास में जा सकती है, कुछ पार्ट उसका मई हो सकता है, तो थर्ड राइट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड क्या करेगा, सॉरी थर्ड क्या करेगा अपने फॉलो करेगा, नो फ्राइडे इज, नो फ्राइडे इज संडे, फ्राइडे एंड संडे की दुश्मनी हो गई, सम संडे इज मंडे, ये मंडे हमने कर दिया, सम संडे इज मंडे, ऑल मंडे बीइंग ट्यूसडे, मंडे बीइंग ट्यूसडे है ना, सारे इज ट्यूसडे, ऑल ओनली फ्यू ट्यूसडे इज वेडनेसडे, तो ट्यूसडे का यहाँ वेडनेसडे हो गया, ये अपन ने यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे में नहीं जा सकता, सम संडे इज ट्यूसडे, सॉरी सम संडे इज ट्यूसडे, संडे एंड ट्यूसडे का कुछ रिलेशन आ रहा है, पहला सही हो गया अपने, सम वेडनेसडे इज मंडे, वेडनेसडे और मंडे में क्या रिलेशन है, क्या मंडे कहाँ था अपना, वेडनेसडे ये रहा, मंडे ये रहा, नहीं है, गलत हो गया, ऑल मंडे बीइंग फ्राइडे इज ए पॉसिबिलिटी, सारे मंडे फ्राइडे हो सकते हैं क्या, क्योंकि फ्राइडे और संडे की देखो क्या दुश्मनी, और ये जो सम वाला पार्ट है ना, ये क्या कर रहा है, इस मंडे को क्या कर रहा है, रोक रहा है, पूरे मंडे को फ्राइडे के पास जाने से रोक रहा है, तो ये थर्ड भी अपना क्या होता है रॉन्ग हो जाएगा, कंक्लूजन एक क्या करेगा अपने राइट होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सम बल्ब इज फैन, बल्ब एंड फैन हो गया, ठीक है, ओनली फ्यू फैन इज कलर, ठीक है, ये कलर कूलर हो गया, कुछ फैन कूलर है, इसका मतलब क्या रहेगा कि सारे फैन कूलर नहीं हो सकते, इसलिए हमने ये साइन लगाया क्रॉस का इसके ऊपर ऐसा करके, नो कूलर इज टीवी, कूलर की टीवी से क्या है दुश्मनी है, ऑल टीवी इज मोबाइल, सारे टीवी क्या है मोबाइल है, ये मोबाइल हमने यहाँ बना दिया, ऑल टीवी इज मोबाइल। अब हम देखें, सम फैन इज नॉट मोबाइल, कुछ फैन मोबाइल नहीं है, सम फैन इज नॉट मोबाइल, क्या फैन, कुछ फैन की मोबाइल से क्या दुश्मनी है, क्या नहीं है, ठीक है ना, तो सम फैन इज नॉट मोबाइल, सम नॉट को हम पॉसिबिलिटी चेक कर सकते, देखो ऑल फैन इज मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल फैन बीइंग मोबाइल, सारे फैन मोबाइल हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई भी नहीं रोकेगा, तो पॉसिबिलिटी केस राइट हो गया, तो सम नोट केस क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसका देखें नेक्स्ट, सम मोबाइल बीइंग कूलर इज ए पॉसिबिलिटी, सम मोबाइल बीइंग कूलर, मोबाइल बीइंग कूलर इज ए पॉसिबिलिटी, संभावना तो है मोबाइल कूलर हो सकते हैं, क्योंकि टीवी से उसका दुश्मनी है, ये बाहर वाले भाग में से कुछ जा सकता है, सम टीवी इज बल्ब, कुछ टीवी बल्ब है, टीवी और बल्ब में कुछ सामान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो हम जी कंक्लूजन क्या करेगा सेकंड। मैं वापस आपको बता दूं, सम नोट जब भी आता है ना, जहां भी सम नोट आए, उस सम नोट की जगह ऑल की पॉसिबिलिटी,
ऑल की पॉसिबिलिटी से आप सेंटेंस को रीफ्रेम कर लो, ऑल की पॉसिबिलिटी से हम क्या करेंगे रीफ्रेम कर लेंगे, अगर ऑल की पॉसिबिलिटी राइट होगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और ऑल की पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई तो सम नोट का केस क्या राइट हो जाएगा। तो इससे हम डायरेक्टली हमेशा सम नोट को इजीली निकाल सकते हैं। सम नोट के लिए हमेशा ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको चेक कर सकते हो। सम नोट के लिए ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करनी है आपको, पॉसिबिलिटी राइट तो सम नोट रॉन्ग, पॉसिबिलिटी रॉन्ग तो सम नोट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सम नोट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है देखने में, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता सम नोट का केस। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्या करें, ऑल मिल्क, ये ऑल मिल्क इज वाटर, ऑल वाटर इज ऑयल, ये यहाँ ऑयल आ गया, ओनली अ फ्यू ऑयल इज क्यूब, मतलब ये इसके अंदर सारे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इसके कंक्लूजन्स क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन्स कह रहे हैं ऑल मिल्क इज ऑयल, सारे मिल्क ऑयल है, आ रहे ऑल मिल्क इज ऑयल राइट हो गया, नो वाटर इज क्यूब, वाटर एंड क्यूब में तो उसमें नहीं है क्या, नहीं है ना, तो मतलब नेगेटिव तो ऊपर था ही नहीं, तो इसको डायरेक्टली रॉन्ग कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट क्या करेगा अपने फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं, नो ग्रेप इज गुआवा, ये ग्रेप ये गुआवा, गुआवा को जी यू से लिखा है, ग्रेप्स को जी से लिखा है, सम गुआवा इज फ्रूट, एग्जाम में ये प्रैक्टिस करें कि ओनली एफ एफ या फिर ओनली फर्स्ट लेटर से इसको स्टार्ट करें, ओनली टू फ्रूट इज बनाना, ये बनाना ठीक है ना, ये फ्रूट इसमें बनाना नहीं जा सकते पूरे, ऑल बनाना इज एप्पल, तो सारे बनाना क्या है एप्पल है। अब देखो क्या कर रहा है, ऑल फ्रूट बींग बनाना, सारे फ्रूट ऑल फ्रूट बींग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है, ऊपर हमने बना दिया तो गलत हो जाएगा, ये तो बना हुआ सारे फ्रूट बनाना में नहीं जा सकते, सम एप्पल इज गुआवा, कुछ एप्पल गुआवा है नहीं है, क्योंकि गुआवा यहाँ बैठे हैं एप्पल यहाँ बैठे हैं, उनमें डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं है। ऑल फ्रूट नॉट बींग ग्रेप्स, यहाँ ऑल फ्रूट कह रहे हैं ऑल फ्रूट नॉट बींग ग्रेप्स, फ्रूट सारे फ्रूट ग्रेप्स नहीं हो, मतलब इन दोनों की क्या हो जाए डायरेक्ट दुश्मनी हो जाए, ऐसी संभावना है, बिल्कुल हो सकती है, उसने संभावना की बात करी, अगर वो बोल देता ऑल फ्रूट नॉट बींग ग्रेप तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाता, डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया, यहाँ ने पॉसिबिलिटी दे रखा है, तो थर्ड क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ओनली सी के ऑप्शन क्या हो जाएगा ओनली कंक्लूजन थर्ड क्या करेगा अपने फॉलो करेगा। तो ऐसे आपको बस वेन डायग्राम बना के क्या करना है, बहुत इजी से देखना है, और पांच नंबर के क्वेश्चन अपने फिक्स हो जाते हैं, सिलॉग्स रीजनिंग में करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो सिलॉग्स करेंगे हम लोग तभी आपका प्री में सिलेक्शन हो पाता है, और मेंस के एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन सिलॉग्स के आते हैं और वही मार्क्स दिलाते हैं, क्योंकि मेंस में रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ आती है, तो ऐसे पॉइंट्स जो नॉन पजल टॉपिक्स है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अगर मेंस एग्जाम क्लियर करना है आपको, तो और प्री के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली फ्यू व्हाइट इज ब्लैक, तो व्हाइट पूरे इसके अंदर नहीं जा सकते ब्लैक में, फ्यू ब्लू इज ब्लैक, ओनली फ्यू ब्लू इज ब्लैक, ठीक है ना, ब्लू केवल कुछ सॉरी ओनली फ्यू ब्लू, ब्लू तो हमने यही लिख लिया था, ओनली फ्यू ब्लू इज ब्लैक, ये ब्लू है ब्लैक नहीं है, मैंने ब्लैक लिख दिया इसको, ये लिख लेते हैं ब्लू, ओनली फ्यू ब्लू इज ब्लैक, ठीक है ना, ओनली फ्यू ब्लू इज ब्लैक, तो सारे ब्लू ब्लैक नहीं हो सकते, सम ब्लैक इज रेड, ये हमने बना दिया। अब क्या हुआ, सम व्हाइट, सम व्हाइट इज नॉट ब्लू, कुछ व्हाइट ब्लू नहीं है, सम नोट का केस आ गया, पॉसिबिलिटी चेक कर लो, ऑल व्हाइट इज ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे व्हाइट ब्लू हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी का केस रॉन्ग हो गया, सारे व्हाइट ब्लू नहीं हो सकते, तो सम व्हाइट इज नॉट ब्लू तो हमेशा रहेगा, सम व्हाइट इज नॉट ब्लू अपना राइट रहेगा, सम ब्लू आर नॉट रेड, कुछ ब्लू सम नोट का सम ब्लू आर नॉट रेड, तो ऑल ब्लू इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे ब्लू रेड हो सकते हैं, तो इस ब्लू को रेड के पास में जाने से कोई रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा, तो मतलब जब हमारा पॉसिबिलिटी राइट हो गया पीछे के क्वेश्चन में बताया मैंने, तो सम नोट का केस क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन वन क्या करेगा इसमें फॉलो करेगा, तो 18th का अपने क्या हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा। सम नोट के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है ये, बस ओनली ऑल की पॉसिबिलिटी उसको सेंटेंस रीफ्रेम करके आप चेक कर लीजिए, ऑल ईयर इज आई, ये ईयर बनाया ये आई बना दिया हमने,
सम आई इज हैंड, ये हैंड के लिए एच लिख दिया, ओनली टू हैंड इज लेग, ये लेग लिखा, सारे हैंड लेग में नहीं जा पाएंगे, नो लेग इज नोज, तो लेग नोज से क्या हो गई, दुश्मनी हो गई है, ठीक है ना। सम नोज बीइंग आईज इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ नोज आईज ऐसी संभावना है, संभावना हो सकती है, नोज को आईज के आसपास आने की संभावना से कोई नहीं रोक सकता। ऑल हैंड बीइंग नोज, सारे हैंड नोज हो सकते हैं क्या, क्योंकि लेग एंड नोज की दुश्मनी है, और ये जो पार्ट है ना ये सारे हैंड को रोक रहा है नोज के पास आने से, क्योंकि उसकी दुश्मनी है, ये रॉन्ग हो गया। सम ईयर इज हैंड, ईयर और हैंड में क्या डेफिनेट रिलेशन है, नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन क्या करेगा, वन फॉलो करेगा। देखो वेन डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो आपके कंक्लूजन सारे सही से निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 का, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, ये क्रिकेट है ये फुटबॉल है, इन दोनों के आपस में दुश्मनी होगी। ऑल फुटबॉल इज हॉकी, ऑल फुटबॉल इज ये हॉकी हो गया, ठीक है ना। ओनली फ्यू हॉकी इज चेस, ये चेस हो गया, सारी हॉकी इसके अंदर नहीं जा सकती। सम चेस इज लूडो, सम चेस इज लूडो, ठीक है ना, सम चेस इज लूडो हमने बना दिया, ये लूडो सही से लिख देते हैं, एल से लिख देते हैं, सिर्फ लूडो बनाया हमने, ये एल बना दिया, ठीक है ना। अब करें नो क्रिकेट इज हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी का दुश्मनी है, क्रिकेट की फुटबॉल के साथ में, हॉकी के साथ तो नहीं, ये रॉन्ग। सम फुटबॉल इज चेस, फुटबॉल एंड चेस में क्या कुछ रिलेशनशिप है, डेफिनेट नहीं। सम लूडो बीइंग क्रिकेट इज ए पॉसिबिलिटी, सम लूडो बीइंग क्रिकेट इज ए पॉसिबिलिटी, राइट हो सकता है, राइट हो सकता है ना, किसने बना क्या। तो यहाँ देखो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो गलत है, वन एंड सेकंड फॉलो गलत है, ओनली कंक्लूजन सेकंड गलत है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट सेकंड फॉलो, ये तो सही बात है, बट उसके साथ में लिखना चाहिए था एंड थर्ड फॉलो, थर्ड फॉलो, तो यहाँ ऑप्शन अपना ये होता तो राइट हो जाता, बट अभी कितना लिखा हुआ है, ओनली कंक्लूजन नाइदर वन नॉट सेकंड फॉलो, तो हम इसको नहीं लगा सकते, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा, नन ऑफ द अबव, ओनली थर्ड विल फॉलो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 क्या कह रहे हैं, ओनली मैंगो इज एप्पल, ये मैंगो इज एप्पल, अच्छा ओनली की बात करी तो ओनली के केस में फ्रेंड्स क्या रहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, ओनली ए इज बी, ठीक है ना, तो हमेशा कैसे बनेगा, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, ठीक है, और इस बी का ए के अलावा किसी से भी रिलेशनशिप नहीं होगा, कुछ भी देखो संभावना पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, जब ओनली का केस है फ्रेंड्स तो हमें यही करना है कि क्या बनाना, ओनली जैसे यहाँ बनेगा ओनली मैंगो इज एप्पल, कैसे बनेगा, ऑल एप्पल इज मैंगो, सारे एप्पल मैंगो हैं और केवल मैंगो ही एप्पल हैं, ओनली मैंगो इज एप्पल का मतलब क्या, केवल मैंगो ही एप्पल हैं, ठीक है ना, उसके अलावा इस एप्पल की सबसे दुश्मनी है, ठीक है ना, और इस एप्पल की कोई संभावना भी नहीं हो सकती, हमें यही ध्यान रखना है बस, ओके, इसकी कोई पॉसिबिलिटी का केस होगा वो भी रॉन्ग होगा, एंड डेफिनेट केस होगा वो भी रॉन्ग होगा, बस ओनली के केस में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब देखते हैं, नो ऑरेंज इज ग्रेप, तो ग्रेप अभी तो आया नहीं, सम गुआवा, यहाँ गुआवा का बनाना पड़ेगा, सम गुआवा इज मैंगो, गुआवा इज मैंगो, सम ग्रेप इज गुआवा, सम ग्रेप इज गुआवा, ये ग्रेप्स हो गया, ठीक है ना, एंड नो ऑरेंज इज ग्रेप, तो ऑरेंज की ग्रेप से दुश्मनी हो गई, ये ऑरेंज हमने ये यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। अब पढ़ो, सम एप्पल बीइंग गुआवा इज ए पॉसिबिलिटी, सम एप्पल, मैंने बोला एप्पल का किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा, गलत हुआ, पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। सम ग्रेप इज मैंगो, क्या ग्रेप्स एंड मैंगो में रिलेशन है, नहीं है। सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी, एप्पल का रिलेशन नहीं था, मैंगो की संभावना हो सकती है, तो थर्ड राइट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड क्या करेगा, इसमें फॉलो करेगा। ओनली का केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, आजकल यही ओनली वाले क्वेश्चन हमने क्या बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, सम ओशन इज वॉटर, ओनली ओशन इज लेक, तो ऑल लेक इज ओशन, एंड लेक की सबसे दुश्मनी हो जाएगी, ठीक है ना। सम ओशन इज वॉटर, ये ओशन इज वॉटर, हमेशा बोला मैंने ऑल वाला केस पहले बनाओ, तो ओनली का मतलब ऑल ही होता है, तो वो बनाना पड़ेगा वॉटर। सम रिवर इज सी, सी एंड नो सी इज ओशन, सी की क्या हो गया, ओशन से दुश्मनी हो गई। अब बताओ क्या रहेगा, हमने सम रिवर इज सी, तो ये रिवर बना
अब देखें सम लैक, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, सम लैक बीइंग वाटर, कुछ लैक वाटर की संभावना, लैक का किसी से रिलेशन नहीं होगा, गलत हो गया, नो लैक इज सी, लैक की सबसे दुश्मनी होगी, इसके साथ दुश्मनी नहीं होती तब भी नो लैक इज सही, राइट होता तो ये राइट हो गया। सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी, सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी, वॉटर बींग रिवर, वॉटर रिवर हो सकता है, राइट हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड कहीं आ रहा ऑप्शन में, डी ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। फ्रेंड इसमें ओनली के केस में दो चीज ध्यान रखनी है, लेग जो बनेगा उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा, उसकी सारी संभावनाएं रॉन्ग होगी, मतलब वो उसका मतलब क्या होगा, नो का केस क्या रहेगा उसमें हमेशा रहेगा, उसकी सबसे क्या होगी, दुश्मनी होगी, ये अपने को सिर्फ ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा आपका ओनली का केस भी अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, तो क्या करें, ओनली टेबल इज चेयर, ऑल चेयर आर टेबल, ये बनेगा ओनली का, अभी बताया मैंने आपको, नो पिल्लो इज बेड, बेड आया नहीं तो टेबल के साथ बेड आएगा, सम बेड इज टेबल एंड नो पिल्लो इज बेड, बेड की पिल्लो से दुश्मनी हो गई, ठीक है ये रॉन्ग बना दिया। अब कह रहा है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, नो चेयर इज बेड, चेयर की बेड से दुश्मनी दे, दे नहीं रखा फिर भी ये राइट होगा, चेयर का किसी से रिलेशन नहीं हो सकता, इसकी सबसे दुश्मनी होगी टेबल के अलावा। ऑल टेबल बीइंग पिल्लो इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऑल टेबल बीइंग पिल्लो, सारी टेबल पिल्लो हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती हैं, ऑल टेबल बीइंग पिल्लो इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चेयर की सबसे दुश्मनी है, चेयर टेबल के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड क्या करेगा, अपने फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, देखो यहाँ दुश्मनी नहीं थी फिर भी चेयर ने क्या है, रोक लिया टेबल को, क्योंकि चेयर की दुश्मनी है, वो कह रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा पिल्लो के पास, पिल्लो के पास मैं चेयर नहीं जाएगा तो सारी टेबल हो नहीं पाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ओनली स्टूडेंट इज पेट, पेट ऑल पेट आर स्टूडेंट, ठीक है ना, नो एनिमल इज स्टूडेंट, एनिमल की वापिस दुश्मनी होगी स्टूडेंट से, नो ऑल पर्सन्स, ऑल पर्सन्स, तो पर्सन्स क्या हो जाएंगे, ऑल पर्सन्स इज एनिमल, अंदर आएंगे पर्सन्स, अब पूछ रहा है वो क्या कह रहे हैं, नो पैट सम पर्सन्स बीइंग स्टूडेंट, क्या कुछ पर्सन बीइंग स्टूडेंट, पर्सन स्टूडेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि पैट इसके साथ तो दुश्मनी थी बट एनिमल की स्टूडेंट से होगी, इस पेट की अपने आप होगी क्योंकि ये इसके अंदर है, तो ये रॉन्ग हो गया, नो पेट इज एनिमल, कोई भी पेट एनिमल नहीं है, ये राइट है, ओनली कंक्लूजन सेकंड क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें अगर हम, ओके अगर ओनली रूम इज फ्लोर, ठीक है ना, ऑल फ्लोर आर रूम, ठीक है ना, नो बालकनी इज रूम, नो बालकनी इज रूम, बालकनी का रूम से दुश्मनी हो गया, ऑल विंडो, सारी विंडो क्या है, बालकनी है, विंडो बालकनी है, सम डोर इज विंडो एंड सम डोर आर विंडो, ठीक है, हमेशा ऑल वाला बनाना चाहिए था, जैसे बालकनी हमने पहले बना दी तो विंडो अंदर आएगा, इसलिए पहले अगर हमने वॉल एंड बालकनी बनाया तो डायरेक्टली आपके कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप ऑल का केस हमेशा क्या करो, जल्दी बनाओ, और एक प्रैक्टिस हो गई है तो उसके बाद में आप आसानी से बना सकते हो, अगर इनिशियल लेवल पे हमेशा ऑल का केस आप क्या करो, बनाओ, जिससे वेन डायग्राम बनाने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। नो बालकनी इज डोर, कोई भी बालकनी डोर नहीं है, ऐसा है क्या, नो बालकनी इज डोर, गलत हो गया। नो फ्लोर इज बालकनी, फ्लोर का बालकनी से दुश्मनी है, राइट है। सम विंडो बिंग रूम इज, सम विंडो, कुछ विंडो क्या रूम हो सकती है, विंडो की रूम से दुश्मनी है, नहीं हो सकता, ओनली कंक्लूजन क्या करेगा, सेकेंड फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ओनली कंप्यूटर इज मोबाइल, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, ठीक है ना, सम लैपटॉप इज कंप्यूटर, सम लैपटॉप इज कंप्यूटर, तो ये लैपटॉप यहीं रहेंगे अपने, सम लैपटॉप एंड कंप्यूटर में रिलेशन हो गया, नो कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड की क्या हो गई, दुश्मनी हो गई लैपटॉप से, वो कह रहा है नो मोबाइल इज लैपटॉप, नो मोबाइल इज लैपटॉप, मोबाइल एंड लैपटॉप की दुश्मनी राइट है, क्योंकि मोबाइल ओनली के केस में था, मोबाइल की सबसे दुश्मनी होगी, ठीक है ना, इस पे आप ऐसा लगा सकते हो, इसको स्टार लगा दो,
जब भी ओनली का केस बनाओ तो इस पे स्टार लगा दो, स्टार का मतलब है ये सबसे नाराज चल रहा है घर में, ऑल कंप्यूटर विंग कीबोर्ड, ऑल कंप्यूटर, वो सारे कंप्यूटर क्या कीबोर्ड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, मोबाइल कहेगा मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, ओनली पेंसिल इज पेन, तो ऑल पेन आर पेंसिल, नो बॉक्स इज पेंसिल, तो पहले से ही पेन पे अपने स्टार बना लो, बॉक्स हो गया ये राइट, क्रॉस लगा दिया, सब इरेजर ही बॉक्स, ये इरेजर, ठीक है इरेजर, नो पेन इज बॉक्स, कोई भी पेन बॉक्स नहीं है, पेन की सबसे दुश्मनी है ये राइट, अपना हमेशा रहेगा राइट, स्टार लगा हुआ है इस पे नाराज है, जैसे शादी में फूफा जी नाराज हो जाते हैं वैसे फूफा जी हो गए सबसे नाराज हो गए। नो इरेजर इज पेंसिल, कोई भी इरेजर पेंसिल नहीं है, इरेजर का पेंसिल से दुश्मनी है क्या? डायरेक्ट डेफिनेट तो नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा, पेन से दे रखा होता तो हम कह सकते थे, पर पेंसिल से नहीं है ना, ये तो बुआ जी हो गए, बुआ जी तो नाराज नहीं है, फूफा जी नाराज हो गए, तो ऐसे याद कर सकते हो आप इजीली, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकेंड फॉलोज ऑन, सॉरी ओनली ऑप्शन वन फॉलोज, ऑप्शन बी क्या करेगा आपने राइट होगा इसके अंदर, कंक्लूजन वन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं, ओनली शर्ट इज पेंट, ऑल पेंट आर शर्ट, ठीक है, और ये पेंट अपने क्या हो गए, फूफा जी हो गए नाराज वाले फूफा जी, सम क्लॉथ इज शॉर्ट, सम क्लॉथ इज शॉर्ट, ये सम क्लॉथ इज शॉर्ट शर्ट है, सम शू इज क्लॉथ, ये शूज हो गए, सम क्लॉथ बींग पार्ट, सम क्लॉथ बींग पेंट, ये पेंट फूफा जी थे तो कोई संभावना नहीं रहेगी फूफा जी तो नाराज चल रहे गलत हो गए। नो शर्ट इज शू, कोई भी शर्ट शू नहीं है, नो शर्ट इज शू, शर्ट एंड शू की तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, ये भी गलत हो गया, तो अपना क्या हो जाएगा दोनों ही नाइदर नोर का केस लग जाएगा, क्योंकि एलिमेंट क्या है सेम नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्या कह रहे हैं, ओनली ब्लैक इज वाइट, तो ऑल वाइट आर ब्लैक, ऑल वाइट आर ब्लैक बनेगा, और वाइट अपने फूफा जी हो जाएंगे, इसको स्टार लगा दो फूफा जी पे, फूफा जी नाराज चलेंगे शादी में, ऐसे याद करना है ओनली का केस, सम ब्लैक इज रेड, कुछ ब्लैक रेड है, ये रेड हो गया, ठीक है ना, ओनली रेड इज ग्रीन, ओनली रेड, ओ ओनली रेड का बनाना था अपन ने, इसको गलत बना दिया है वापिस, एक और फूफा जी, दो फूफा जी हो गए इस बार, ओनली दो केस है ना, ओनली रेड इज ग्रीन मीन्स ऑल ग्रीन आर रेड एंड सम ब्लैक इज रेड है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को, तो ये वापिस एक और ग्रीन वाले है ना, ये ग्रीन वाले फूफा जी और ये व्हाइट वाले फूफा जी, दो फूफा जी हो गए, तो इन दोनों की सबसे दुश्मनी होगी, इसके रेड से आ सकते हैं और ये ब्लैक से रिलेशन में रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम तो 29 में कंक्लूजन क्या करें अपने पास में, नो रेड सम ब्लैक बींग ग्रीन, कुछ ब्लैक है ना ग्रीन हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या ग्रीन, ये दूसरे फूफा जी इनकी सबसे दुश्मनी रहेगी, ये गलत, नो रेड इज वाइट, रेड एंड वाइट की दुश्मनी है, ऑब्वियस बात है ये वाले भी फूफा जी हैं, ये सबसे नाराज है, और यही करें नो वाइट रेड इज वाइट, ये राइट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड क्या रहेगा फॉलो करेगा। तो ये बहुत आसान है, ओनली को याद रखना है, याद रख लो फूफा जी शादी में नाराज हो रहे हैं, बस इतना ही अपने को याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और बहुत आसानी से याद रह जाए। ओनली गर्ल इज मैन, ओनली गर्ल इज मैन, तो ऑल मैन ये गर्ल हो गए ना, तो मैन अपने यहाँ क्या बन गए, फूफा जी बन गए, शादी में नाराज वाले फूफा जी, नो बॉय इज गर्ल, तो बॉय की वापिस की दुश्मनी हो गई है, ठीक है, नो चाइल्ड इज बॉय, तो ये चाइल्ड हो रहे हैं एक ना, इनके में सब नाराज चल रहे हैं एक दूसरे से, ये चाइल्ड हो गया। सम गर्ल, अब देखो क्या कह रहा है, सम गर्ल बींग, सम गर्ल बींग चाइल्ड, गर्ल की बॉय से दुश्मनी थी पर चाइल्ड से तो नहीं है, तो गर्ल का कुछ भाग चाइल्ड में जा सकता है, इसकी संभावना है, ये राइट होता है। अब मैन बींग बॉय, मैन तो फूफा जी है, फूफा जी का तो कोई संभावना नहीं है, बस ओनली नाराज की संभावना रहेगी इनकी, तो ये अपना रॉन्ग हो गया, तो अपना ओनली कंक्लूजन ए फॉलो करेगा। तो फ्रेंड ये हमने ओनली एंड ओनली एफयू के मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे क्वेश्चन, और डेफिनेटली ये पांच में से आजकल तीन सिलॉग्स में ओनली एंड ओनली फ्यू का कंसेप्ट पूछा जाता है बहुत इजी से, जिससे कि आपको याद रह जाए, फनी ट्रिक्स नाराज फूफा जी से मैंने आपको ये ओनली एफयू याद कराने की कोशिश की है, और 30 क्वेश्चन भी इसके अलावा मैं कम से कम 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, DI का भी मैं आपके लिए लेकर आया फ्रेंड्स,
यूट्यूब चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो रियल टाइम एस्पिरेंट्स है उनकी हेल्प की जा सके एंड जिससे कि आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिले। मैं सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपके लिए सारा एसएससी से सारे कंसेप्ट मोस्टली मैंने बैंकिंग में जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं तो वो वहाँ अप्रोच फॉलो हो जाती है, उसी अप्रोच को मैं फॉलो करूँगा एंड वही अप्रोच मैं आपको बताऊँगा। सब जगह सारे चैनल्स पे क्या बताई जाती है, आपकी ट्रिक्स बताई जाती है, बट जैसे ही आपके पास में नन ऑफ दीज का ऑप्शन आता है तो वो ट्रिक फॉलो क्या करना काम करना बंद कर देती है। तो फ्रेंड्स हमें ट्रिक से काम नहीं करना, हमें कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। कंसेप्चुअल चीज़ें होगी तो आप अपने आप क्या कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। तो ये जैसे हमने फूफा जी से याद कर लिया, बहुत बड़ी हमेशा बचपन से कहावत सुनते हैं फूफा जी नाराज होते हैं शादी में, है ना, नाराज फूफा जी, तो उससे ओनली ए फ्यू का हमने कर लिया। ऐसे आप फनी ट्रिक्स से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो एंड कंसेप्ट को ध्यान में रख सकते हो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए एंड व्यूज़ को भी बढ़वाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।